ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हर्ष वीडियो यूट्यूब चैनल के एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ वीपीएन के बारे में। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार ये वीपीएन होता क्या, इसके क्या काम है, क्या फायदे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो को। आइए दोस्तों बहुत ही कम शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये वीपीएन है क्या। नॉर्मली दोस्तों ये जो वीपीएन है इसका फुल फॉर्म निकल के आता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी कि एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क है, वो भी कैसा तो है कि वर्चुअल नेटवर्क है। नॉर्मली वीपीएन के तरह तरह के काम है, इसी के काम के मद्देनजर रखते हुए हम वीपीएन को यूज करते हैं। अब एज ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट काम है उसके बारे में बात कर लें तो ये हम लोगों को सिक्योरिटी मुहैया कराता है, साथ ही साथ कुछ रेस्ट्रिकेशन है, यानी कुछ रेस्ट्रिकेटेड वेबसाइट वगैरह, कुछ रेस्ट्रिकेटेड वीडियोस वगैरह, इंटरनेट पे बहुत सी चीजें जो रेस्ट्रिकेटेड है आपके एक पार्टिकुलर रीजन में, तो नॉर्मली उसको आप ओपन कर सकते हैं इस वीपीएन के माध्यम से। और भी तरह तरह के काम है वीपीएन के, लेकिन कुछ ये इंपॉर्टेंट काम है वीपीएन के। अब एग्जांपल के तौर पे दोस्तों आपको मालूम होगा ही कि इंटरनेट पे जितने भी थिंग वर्क करते हैं, यानी जितना भी चीजें जिसका इंटरनेट से कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है, उसके पास एक पार्टिकुलर एड्रेस होता है जिसे हम लोग आईपी एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के नाम से जानते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे दोस्तों अगर आप लोग कुछ भी सर्च करते हैं, मतलब कि आपने इंटरनेट पे सर्च किया www.google.com, तो यहां पे आप अगर ये सर्च कर रहे हैं तो आपका एक आईपी एड्रेस यानी आपका जो एक पार्टिकुलर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, इसी के माध्यम से वो पता चलेगा। अर्थात यहां से आपने जो रिक्वेस्ट की आपके आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा, और वहां से आपने क्या सर्च किया है, किस वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट किया है, उसके सर्वर तक वो वहां जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए चाइना में चले आइए, चाइना में जो फेसबुक है वो बैन है। अब नॉर्मली जैसे ही आप चाइना में जाके सर्च करते हैं facebook.com, तो जैसे ही आपका वहां पे आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उसके पास ये रिक्वेस्ट जाएगा, तो वहां पे भी आपको ये ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपका जो रिक्वेस्ट है आगे तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि जो फेसबुक है एक पार्टिकुलर वेबसाइट है जो वहां पे बैन किया गया है। अब यहीं पे कहीं ना कहीं वीपीएन का जरूरत हमें पड़ जाता है। अब एज एग्जांपल दोस्तों आप लोग इंटरनेट को सर्व कर रहे हैं यहां पे, तो कहीं ना कहीं आप जो भी काम कर रहे हैं तो वहां पे जो आईएसपी है आपकी उसको सब पता है कि आप इंटरनेट के माध्यम से क्या क्या कर रहे हैं, फिर आप चाहे तो आपकी जो गवर्नमेंट है वो भी जान सकती है कि आप इंटरनेट के माध्यम से क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो फेसबुक बैन किया गया है चाइना में, तो डायरेक्ट आप बिना अपने आईएसपी यानी कि अपने इंटरनेट के माध्यम से डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकते बिना वीपीएन का यूज किए हुए। अब दोस्तों यहाँ पे वीपीएन का काम ऐसे निकल के आता है, नॉर्मली जो वीपीएन है आप जैसे ही किसी वीपीएन सर्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, तो नॉर्मली जब आप किसी भी वीपीएन सर्वर से कनेक्ट हो जाते हैं तो आपका रिक्वेस्ट अगर चाइना से गया facebook.com का, तो वो बिल्कुल इंक्रिप्टेड जाता है उस वीपीएन सर्वर के पास, और आपने जो रिक्वेस्ट किया है वो आपके यहां से रिक्वेस्ट नहीं हो कि उसी वीपीएन से रिक्वेस्ट किया जाता है उस वीपीएन सर्वर से। अब एज एग्जांपल वहां पे जो वीपीएन सर्वर वो अमेरिका का है, तो नॉर्मली वहां से रिक्वेस्ट किया जाएगा तो facebook.com के सर्वर तक जाएगा, तो वहां पे तो यही पता चलेगा कि जो रिक्वेस्ट आ रहा है वो है अमेरिका से, और इस पार्टिकुलर रीजन में अपने फेसबुक को बैन नहीं किया गया, तो वहां पे बहुत ही आसानी से जो आपका फेसबुक का पेज है वो सामने निकल के आ जाएगा। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया, जो डेटा गया आपसे उस वीपीएन सर्वर के पास वो भी बिल्कुल इंक्रिप्टेड रूप में गया, तो नॉर्मली जो आपका आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसको भी मालूम नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, या फिर जो आपका गवर्नमेंट है उसको भी मालूम नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी बन गया ये, यानी कि आप जो भी कर रहे हैं बीच में कोई नहीं देख रहा उस वीपीएन सर्वर के अलावा, क्योंकि नॉर्मली जिस वीपीएन सर्वर को आप यूज कर रहे हैं, जिस भी वीपीएन सर्विस को आप यूज कर रहे हैं, उसको आपका एक पार्टिकुलर आईपी एड्रेस जो उसने तैयार किया है वो आपको उनको मालूम है, तो नॉर्मली उनको पता चल रहा है कि आप क्या यूज कर रहे हैं, उसके अलावा किन्हीं को मालूम नहीं है क्या कर क्या रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो यही है दोस्तों वीपीएन का काम। अब एग्जांपल के तौर पे दोस्तों आप वीपीएन को यूज करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, इंटरनेट पे तरह तरह के वीपीएन सर्विस आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ फ्री है, कुछ पेड है, कुछ प्रीमियर है, यानी कि कुछ में आपको प्लान खरीदना पड़ेगा, कुछ फ्री भी है। जो फ्री है तो वहां पे तो लाजमी है कि स्पीड वगैरह कम हो जाएगा क्योंकि यूजर वगैरह की संख्या अधिक होगी, और नॉर्मली जो कुछ पेड है तो वहां पे आपके प्लान के हिसाब से स्पीड डिपेंड करेगा। सिक्योरिटी वगैरह जो वहां पे आपको ठीक ठाक से देखने को मिलेगा, फ्री में कहीं ना कहीं कुछ सिक्योरिटी में भी आपको दिक्कत देखने को मिल सकता है। तो यही होता है दोस्तों वीपीएन के फायदे। अब नॉर्मली आपको मालूम हो गया होगा कि वीपीएन है क्या, हम लोग इसे क्यों यूज करते हैं, नहीं यूज करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक और एग्जांपल इंडिया के अंदर देना चाहूंगा। जैसे कि आपको मालूम है कि आज से कुछ दिन पहले जो
एसफल्ट 9 का गेम है वो इंडियन सर्वर पे काम नहीं करता था, वो सिर्फ फिलिपियन सर्वर के लिए था। अब नॉर्मली अगर आप उस एसफल्ट 9 को डाउनलोड या फिर खेलना चाहते तो जैसे ही अपने इंटरनेट सर्विस से आप रिक्वायर्ड यानी कि रिक्वेस्ट करते उसके कि एसफल्ट 9 डाउनलोड करना है, तो नॉर्मली जैसे ही आपके आईएसपी के पास ये पहुंचता तो आईएसपी को पता चल जाता है कि हाँ जिस चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारे इस पार्टिकुलर रीजन में बैन है, तो वहीं पे आपको ब्लॉक कर दिया जाता और आपके सामने निकल के आ जाता दिस पार्टिकुलर गेम इज दिस, ये जो पार्टिकुलर गेम है आपके एरिया में ब्लॉक किया गया है। अब नॉर्मली दोस्तों यहीं पे अगर आप वीपीएन का यूज करते हैं तो अपने फिलिपियन सर्वर से अगर कनेक्ट कर लेते हैं तो नॉर्मली आपका जो डेटा यानी आपने जो रिक्वेस्ट किया वो इनक्रिप्टेड रूप में वो जो वीपीएन सर्वर है उसके पास जाएगा और वो जो रिक्वेस्ट है आपके द्वारा डायरेक्ट ना होके बीच में उस वीपीएन सर्वर के द्वारा रिक्वेस्ट किया जाएगा, तो वहां पे जो एसफल्ट 9 का सर्वर है वहां तक जाएगा, तो उसको तो यही पता चलेगा कि हाँ जो रिक्वेस्ट आ रही है इस पार्टिकुलर रीजन से आ रही है जहां पे किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, डायरेक्ट वहां पे वो ओपन होके चला आएगा, तो नॉर्मली आप भी उस पे एक्सेस कर पाएंगे, उसे यूज कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। तो बेसिकली दोस्तों यही काम है वीपीएन के। अब ऐसे तो वीपीएन का तरह तरह का काम है, नॉर्मली तरह तरह के लोग तरह तरह के काम करते हैं वीपीएन के माध्यम से। अब कुछ लोग हैकिंग का काम करते हैं, कुछ हैकर वगैरह है वो भी वीपीएन का यूज करते हैं बचने के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया वीपीएन के माध्यम से आपको सिक्योरिटी भी मुहैया कराया जाता है। तो बस दोस्तों यही कुछ काम है वीपीएन के और यही होता है वीपीएन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये वीपीएन है क्या, इसके क्या काम है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल को। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।